लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कैसे फ्रैंकलिन टाइम ट्रेवल करके टीम फूड लैंटर्न के टाइमलाइन में पहुंच जाता है। वहां पे जाने के बाद वो अपने आप को टीम फूड लैंटर्न बनते हुए देख लेता है और वो अपने आप से पावर की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो जाता है। कैसे वैसे करके फ्रैंकलिन अपने टाइमलाइन के टीम फूड लैंटर्न से पावर लेने में सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे ही वो लोग वहां से टेलीपोर्ट होकर दूसरे डायमेंशन में ट्रेवल करने वाले होते हैं, तभी वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाती है। फ्रैंकलिन, चिंचन और चॉप एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और दूसरी तरफ फ्रैंकलिन के सामने आ जाता है गॉड ऑफ ड्रीम्स अपनी बहुत सारी सेना लेके। अब आगे, ओ नो, मैं बहुत ही बुरा फंसा हूँ। मैं इसका सामना तो करना चाहता हूँ लेकिन एक गड़बड़ हो रही है। मैं यहाँ पे इनके सामने खड़ा तो हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा इनमें से असली कौन है। तुम मेरे साथ कौन सा गेम खेल रहे हो, बोलो। तुम्हें क्या लगा टाइम ट्रेवल तुम्हें करना आता है? हम भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, ये बस एक नमूना है। क्या कहा तुमने? तुमने अपने आप को टाइम ट्रेवल अलग अलग टाइमलाइन से इस टाइमलाइन में बुला लिया, मेरा तो सर चकरा रहा है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम में से असली कौन है मुझे पता हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें इतनी पावर है तो हम लोगों को ढूंढ के दिखाओ। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई गाइस। हमने जैसे टाइम ट्रेवल करके इसे हराने के लिए पावर्स कलेक्ट करने की कोशिश की, वैसे इसने अपने आप को 5 अलग अलग टाइमलाइन में जाके अपने आप को इस टाइमलाइन में बुला लिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। तुम जो भी करोगे उसका इस टाइमलाइन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसके लिए तुम्हें मरना होगा फ्रैंकलिन। क्या कहा? मैं मर नहीं सकता। तुमने भले ही अपने आप को किसी भी डायमेंशन से किसी भी टाइमलाइन से इस टाइमलाइन में बुला लिया होगा, लेकिन तुम लोग भूल गए हो कि मैं एक लैंटर्न हूँ, एक सच्चा लैंटर्न, और मैं हार नहीं मानूंगा। चलो भाइयों इसे खत्म करते हैं। सही कहा तुमने, इसे जीने का कोई हक नहीं। हमला, मैं नहीं डरता, आ जाओ मारो मुझे। हमला, क्या क्या ये क्या हो गया? अचानक से सब कुछ रुक क्यों गया? अरे ये मेरी वजह से हुआ है, मैं आ गया, आपको मैं टाइम से बाहर करता हूँ, ये लो। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ये सारे के सारे हिल नहीं रहे, किसकी वजह से? मेरी वजह से भाई, मैं आ गया हूँ। फ्रैंकी तू यहाँ पे, बढ़िया तेरी वजह से मैं बच गया, नहीं तो आज ये सारे के सारे मुझे मार ही देते। लेकिन तुमने इसे कंट्रोल कैसे किया? आपने जो मेरे को पावर दी थी उसकी वजह से मैंने टाइम कंट्रोल करना सीख लिया है। ओ माय गॉड फ्रैंकलिन द थंडरबोल्ट, ये तुम्हारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि तुमने टाइम को कंट्रोल करना सीख लिया है। अरे भाई तो आपको इनमें बहुत टाइम लग रहा था, इसीलिए मैंने सारे एवेंजर्स को जिंदा कर दिया है और अब यहाँ पे टाइम को मैं रोक भी सकता हूँ। लेकिन एक गड़बड़ हो गई है, मैं जहाँ पे गया था वहाँ से ये गॉड ऑफ ड्रीम्स ने मुझे यहाँ पे बुला लिया। मैं भले हिल नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। अरे हाँ, यही गड़बड़ है, ये मेरी बातें सुन सकता है लेकिन हिल नहीं सकता। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये मेरा असली शरीर नहीं है फ्रैंकलिन। क्या कहा तूने? गाइस ये क्या बोल रहा है, ये इसका असली शरीर नहीं है? ये क्या ट्विस्ट ला रहा है ये कहानी में? अरे हाँ भाई, ये इसका शरीर नहीं है, इसका असली शरीर अब तक किसी को नहीं पता। लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला कि ये असली नहीं है? अरे हम लोग हजारों साल पहले इसको जहाँ पे दफनाया गया था वहाँ पे जाके देखा, लैंटर्न के साथ और एवेंजर्स के साथ, तो वहाँ पे इसकी बॉडी मिली, इसकी हड्डियाँ भी वहीं पे थी और उसकी एनर्जी भी वहीं पे लोकेट हो रही थी। ओके, इसका मतलब गाइस ये कोई बहरूपिया है जिसे गलती से गॉड ऑफ ड्रीम्स की पावर मिली है। सही कहा, तुम्हें धीरे धीरे कहानी का पता चल रहा है। ये तो सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई गाइस। अब तक हम जिस गॉड ऑफ ड्रीम्स को असली गॉड ऑफ ड्रीम्स समझ रहे थे, वो असली गॉड ऑफ ड्रीम्स है ही नहीं। उसकी बॉडी वहीं पे दफन है जहाँ पे ग्रीन लैंटर्न ने हजारों साल पहले दफनाई थी। तो ये हकीकत में है कौन? इसके पीछे किसका मुखौटा है? मेरे सामने आओ। ये भाई मेरी बात छोड़ो, मैं तुम्हें टाइम पॉज करने की टेक्निक बताता हूँ और पावर भी दे देता हूँ। तुम जाओ अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग टाइमलाइन में, और वहाँ से जल्दी जल्दी सारी लैंटर्न की पावर लेके आओ, क्योंकि ये ज्यादा देर पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ओके, तुम जैसे बोलते हो मैं वैसा ही करूंगा। तो सुनो, तुम जैसे ही जाओगे लैंटर्न के पास तो तुम्हें जोर से थंडरबोल्ट टाइम ऐसे बोलना है, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको पूरे वर्ल्ड का टाइम रोकना है, तो मैं सारे टाइमलाइन को रोक दूंगा। क्या कहा फ्रैंकी? तू सारे टाइमलाइन को इस टाइमलाइन में रहकर रोक सकता है? ये तो गजब की पावर है गाइस। ये तो मेरी अब तक की सारे लैंटर्न की पावर मिला के भी जो पावर बनती है उससे भी कई हजारों गुना है। कैसे अचीव किया तूने इस पावर को? वो बहुत ही बड़ी कहानी है, आप बस वही करो जो मैं करना चाहूंगा। ओके, मुझे भेज दो। मैं आपको भेज रहा हूँ आपके टाइमलाइन में जहाँ पे आप जा सकते हो अगले लैंटर्न के पास, तब तक मैं इसे रोक लूंगा। चलो लेट गो। नहीं नहीं नहीं।
अरे नहीं यार, ये फिर से नहीं। ये टाइम ट्रेवल मेरे को बहुत इरिटेट करता है और मेरे को उल्टी भी आती है। मेरे को उल्टी आ रही है गाइस। आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करो। हम लोग 1 मिलियन के बहुत ही नियर है। फिर से तेज नहीं, चल सर चकरा रहा है। फिर से आई थिंक पानी के अंदर। नहीं गाइस, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो चलो चलो, क्योंकि वहाँ पे आपको वीडियोस के अपडेट बहुत ही तेजी से मिलते हैं, तो जल्दी फॉलो इट। क्या करो, मेरी अंग्रेजी को बहुत ही टट्टी है। सबसे बड़ी बात, हम लोगों को अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, फटक से हम लोगों को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वैसे मैं कौन से डायमेंशन में आया हूँ? आई थिंक ये वाला डायमेंशन है, रेनबो लैंटर्न वाला। मुझे महसूस हो रहा है, जल्दी जल्दी चलते हैं। और यही पे चॉपर हिंजन में से कोई हो सकता है, मुझे देखना पड़ेगा आगे जाके। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है और हमें सारी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। फाइनली मैं यहाँ पे आ गया हूँ। मेरे हिसाब से सामने की तरफ हम लोगों को निकलना है, क्योंकि मैं जब रेनबो लैंटर्न बना था तब गाइस आपको याद होगा मैं निकल पड़ा था कोकू सिटी के अंदर, और वहाँ पे बहुत ही बड़ी एनर्जी मेरे अंदर आ गई थी और तब मैं रेनबो लैंटर्न में अपग्रेड हुआ था। तो यार जल्दी जल्दी इस बोट के अंदर बैठते। आई होप आज का वेदर बहुत ही अच्छा हो, अगर वेदर खराब हो गया तो मैं कभी कोकू सिटी के अंदर नहीं पहुंच सकता। लेट्स गो। ओ तेरे की, जैसे मुझे लगा था वैसे ही हुआ। नाम लिया शैतान हाजिर। यार तूफान ही तूफान हो गया है, अब कुछ ना कुछ करके कोकू सिटी के पास पहुंचना ही पड़ेगा। लेकिन मैं अपने आप को मनाऊंगा कैसे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चलो वहीं पे जाके देखते। लेगो, ये क्या, ये कौन सी जगह है? ओ माय गॉड, यहाँ पे तो एक शिप भी है जो कि अभी तक पानी के अंदर डूबी हुई है। मुझे कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये कोई अनजानी जगह लगती है। कोई बात नहीं, मुझे बस अब यहाँ पे ढूंढना ही होगा रेनबो लैंटर्न को। यहाँ पे तो गाइस बहुत ही खतरनाक खतरनाक खंडर से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे देखो फ्रैंकल अंकल, आप ही हो क्या? चॉप यहाँ पे? अरे मैं यही पे था, आपसे बिछड़ गया था। और शिनचान है तेरे साथ? नहीं वो नहीं है। और तू यहाँ पे क्यों आया है? अरे मुझे यहाँ पे रेनबो लैंटर्न की गंध आ रही थी, तो मैं सोचा यहाँ पे जाके पावर ले लेता हूँ। अबे यार तुझे नहीं लेनी पावर, मुझे लेनी है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है तू मेरे लिए सोच रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों को कहाँ पे जाना है? ये कोकू सिटी है ना? नहीं ये कोकू सिटी नहीं है, ये कुछ अजीबोगरीब है जहाँ पे रेनबो लैंटर्न आया है कोकू और वसीता और ग्रिंचन और शिनचान के साथ। मतलब शिनचान उनके टीम में? अरे यार बेवकूफ, इस टाइमलाइन का शिनचान। हाँ ओके ओके ओके, अब समझ में आ गया। अब जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते। अरे रुको, वहाँ पे देखो, वहाँ पे है रेनबो लैंटर्न। ओ तरीके उतरी के, आजा आजा जल्दी जल्दी, हम लोगों को अंदर छुपना पड़ेगा, जल्दी अंदर आजा। ओके मैं आ गया। वैसे वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा। बहुत हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा हम लोग हेलो मॉन्स्टर को कैसे हराएंगे। अरे ये क्या बातें कर रहे फ्रैंकल अंकल। अरे हाँ मुझे याद आ गया, मैं जब रेनबो लैंटर बना था तो डॉक्टर हॉवर्ड हेलो अर्थ के अंदर गया था और उसमें से कोई मॉन्स्टर को अर्थ के ऊपर छोड़ दिया था और उसे रोकने के लिए मैं रेनबो लैंटर बना था। अरे यार अभी याद आ गया, शायद आपको भी याद है ना? अगर याद नहीं है तो जाओ वो वाली सीरीज देखो हेलो अर्थ की। कुपो चुप हो जाओ, तुम लोगों को कुछ चक्कल है? ये ग्रिंचन और शिनचान आत्मा बने थे, ये वापस कैसे आ गए? अरे और क्या, हमारे रेनबो लैंटर्न ने हमें बचा लिया। वसीता चुप हो जाओ, यहाँ पे फ्रैंकलिन ने कोकू सिटी के अंदर अपने आप को पावर किया है। तुम दोनों चिंता मत करना, मैं यहाँ पे हेलो अर्थ की सारी सेना को हरा के रहूंगा। अब चलो यहाँ से। ये कौन है? अरे कहाँ पे गए फ्रैंकल अंकल, यहाँ पे है ही नहीं। ओ नो यार, ये तो यार हर बार का हो गया है, सीधा चले जाते हैं वहाँ पे पंगा लेने के लिए। अरे चॉप हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं सीधा इसके सामने आ गया। अरे ये तो आपका हमशक्ल है रेनबो लैंटर्न। तुम कौन हो और मेरे सामने क्या कर रहे हो? मैं तुम हो और तुम मैं हूँ, मैं फ्यूचर से आया हूँ पास्ट में, और मैं तुम्हारा फ्यूचर बचाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे गॉड ऑफ ड्रीम्स ने हमला कर दिया है। क्या तुम मेरी बात सुनोगे और मुझे थोड़ी पावर दोगे रेनबो लैंटर्न की? तुम बहुत बकबक कर रहे हो, आ जाओ मैं तुमसे लड़ता हूँ। वसीता मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं क्या करूँ, लड़ना पड़ेगा, निकल यहाँ से। नहीं ये क्या है, क्या करो मेरा बदला ले लो। ये क्या, तूने वसीता को कैसे हरा दिया? और ये क्या, तुम्हारे पास ये पावर कैसे आ गई मेरी रेनबो लैंटर्न की? मैंने कहा था मैं ही तुम हूँ, जिस डायमेंशन में आया हूँ मैं, जिस टाइमलाइन से आया हूँ उसमें गड़बड़ हुई है और मैं इस टाइमलाइन में आ गया तो तुम्हारी पावर मेरे पास आ गई, क्योंकि मेरे पास पहले ही है लैंटर्न लैंटर्न ग्रीन लैंटर्न टीम फोर लैंटर्न, ऐसी अनगिनत पावर से, प्लीज मेरे ऊपर यकीन करो। अरे मुझे भी लगता है आपको इसके ऊपर यकीन करना पड़ेगा। ओके मुझे भी यही लगता है, क्योंकि ये अच्छी एनर्जी महसूस हो रही है इसके अंदर से। शुक्रिया गोकू। ओके मैं तुम्हारे ऊपर
भरोसा करके अपनी पावर्स तुम्हें दे रहा हूँ। ये लो मेरी रेनबो पावर। नहीं, ये पावर तो बहुत ताकतवर है। और क्योंकि आप बहुत ज्यादा पावर्स कंज्यूम कर रहे हो इसीलिए। कोई बात नहीं, चलो अब यहाँ से चलते हैं फ्रैंकलिन अंकल। शुक्रिया रेनबो लैंटर्न, तुम रेनबो लैंटर्न हो इसीलिए तुम बहुत जल्दी मान गए। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा आगे हम लोग जिनके पास जाने वाले, क्या वो लोग इतनी आसानी से हमारी बात मानेंगे? चौप नहीं पता, चलो टेलीपोर्ट करते हैं। लेट्स गो, क्योंकि हमें शिनचैन को भी बचाना है। तो गाइस हमें टेलीपोर्ट करना ही होगा। लेकिन किस लैंटर के पास? ये एक सीक्रेट है। टेलीपोर्ट कहा गया? चोड़ू गड़ी मेरे को पंच कैसे मारा उसने? चुप हो जाओ वजीता, कोई बात नहीं। नहीं चोड़ू गड़ी तुम्हारा पॉप हो गया वजीता। के रोड, ये जो भी था मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जहाँ पे भी तुम होगे मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। पॉप हो गया, चुप रहो के रोड। और ये क्या हो गया फ्रैंकलिन अंकल? हम लोग पहुँच गए और हम लोग पानी के अंदर गिरे भी नहीं है। और ये क्या शिनचैन? ओह माय गॉड, जब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और हम लोग टेलीपोर्ट हो गए, हम लोग बिछड़ गए थे। अरे मैं भी बिछड़ गया था। अरे कहाँ पे शिनचैन? अरे भाई कहाँ पे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और पगले पीछे देखो। ओके ये हम लोग मिल गए गाइस, हम लोग हो गए थे। वेट अ सेकंड, वैसे शिनचैन तू वो स्पेसशिप की तरह क्यों दिख रहा है? अरे पता नहीं आपको, ये स्पेसशिप कहाँ पे जाने वाली है? अरे मुझे याद आ गया। क्या? ये स्पेसशिप मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे आप भूल गए, आपकी डिफेंस टीम, आप याद क्यों नहीं कर रहे? कौन सी डिफेंस टीम? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? अरे आपको याद नहीं है क्या? लो रोनो और वो पीले कलर की एस्ट्रा, याद है ना आपको? ओके याद आ गया, हाईजैक ऑफ द अर्थ, वो वाली सीरीज। अरे हाँ, उसके अंदर आपने वो डिफेंस टीम बनाई थी ना, जिसे एसपीडी कहा गया था, स्पेस पेट्रोलियम डिफेंस। अबे हाँ, ओह शिट, मतलब ये अभी अभी लैंटर्न बनने के लिए जाने वाली है शिप। अरे हाँ, जल्दी चलो हमें उसके अंदर बैठना है। ओह माय गॉड, अब याद आ गया, ये वाली स्पेसशिप जा रही है मून के ऊपर हाईजैक ऑफ द अर्थ के विलन को खत्म करने के लिए, जो कि गॉड टाइटन है मेरे हिसाब से। और इसके अंदर क्रोनो, एरा, अलोक और मैं टीम फोर लैंटर्न भी हूँ। जल्दी चलो शिनचैन, ये हुई ना बात, हम लोग बैठ गए और वो भी टाइम के अंदर। अरे चुप हो जाओ, शट अप। अरे हाँ वही तो, ये तो अब सीधा मून की तरफ जा रही है, देखो। लेगो गाइस, इट्स टाइम टू पावर, हम लोग सीधा मून की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम लोग यहाँ पे कौन सा लैंटर्न बने? अरे हम यहाँ पे बने हैं वाइट पावर लैंटर्न। ओहो, पावर लैंटर्न वाली सीरीज आपको याद है गाइस? अगर आपको याद नहीं है तो जाओ हाईजैक ऑफ द अर्थ सीरीज को देखना मत भूलना, जल्दी प्लेलिस्ट में है और जाके जरूर देखना। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आती रहे। हाँ गाइस, थोड़ा वीडियोस बहुत ही लेट हो रही है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा बहुत ही अच्छी सीरीज के साथ और बहुत ही अच्छी वीडियोस के साथ आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करूं। लेट्स गो शिनचैन। अरे मुझे डर लगने लगा है, उल्टी आ रही है। ओ तेरी की, मेरे को भी उल्टी आ रही है। फाइनली हम लोगों ने अर्थ को क्रॉस कर ही दिया है, अब सीधा हम लोग चलते हैं मून की तरफ। ओह माय गॉड, हम लोग मून के अंदर पहुंच ही गए। और वो देखो, वो रही वो लोकेशन जहाँ पे गॉड टाइटन है, वो देखा? अरे दिख गया, अब हम क्या करें? शिनचैन चॉप, हमें बस इनके बीच में दखलंदाजी नहीं करनी है, इनको जो करना है करने दो। एक बार फ्रैंकलिन द टीम फॉर लैंटर्न व्हाइट पावर लैंटर्न में अपग्रेड हो गया तब हम लोग देख लेंगे, समझ में आया है? अरे हाँ समझ में आ गया, लेट्स गो। और तेरे की, हम लोग यहाँ पे पहुंच गए फ्रैंकलिन अंकल, वो देखो वो रही हमारी एसपीडी की टीम। अरे हाँ शिनचैन, वो लोग तो वहीं पे खड़े, वो हम लोगों को देखने वाले, हम लोगों को छुप के बैठना पड़ेगा। और नहीं देख पाएंगे फ्रैंकलिन अंकल, हम बहुत दूर है। वैसे मुझे ये दिन अभी तक याद है हाईजैक ऑफ द अर्थ का, हम लोग सारे के सारे मिलके खत्म करने के लिए आए थे यहाँ पे बैठे हुए सबसे खतरनाक मॉन्स्टर गॉड टाइटन। अरे ये तो बहुत खतरनाक है, अब ये क्या करने वाला है यहाँ पे? अरे मुझे पता है, मैं वहाँ पे था ना, ये अभी यहाँ पे अपनी रेड लैंटर्न की सेना छोड़ने वाला है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ गाइस, अगर यहाँ पे फाइटिंग हो जाएगी तो हमें बहुत समय लगने वाला है, तो क्या करे शिनचैन? फ्रैंकलिन हम भी आएंगे। सही कहा, हम भी आएंगे, एस्ट्रो तुम्हारे साथ है। और ये शिनचैन भी आएगा? हमें आने दो, हम भी हेल्प करेंगे। तुम लोग चिंता मत करो, मैं इसको अकेले ही संभालूंगा, तुम यहीं पे रहो, मैं एसपीडी के सबसे काबिल योद्धा हूं, अगर मुझे कुछ हुआ तो आगे इस एसपीडी टीम को लेके जाना, ठीक है? अरे अब मुझे याद आ गया, अब आप यहाँ पे अकेले लड़ने के लिए चले जाते हो और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी लड़ाई होती है और उसी लड़ाई में मैं ओवर पावर हो जाता हूँ और मुझे व्हाइट पावर लैंटर्न की पावर मिलती है। अरे यार ये तो बहुत लंबा समय है, अब तक हमें रुकना पड़ेगा यहाँ पे। तुम यहाँ पे आ गए, सही कहा, मैं आ गया, टीम फॉर लैंटर्न तुम्हें छोड़ेगा नहीं।
अरे यार ये क्या फ्रैंकल अंकल आप ऐसे चिल्लाते थे? अरे वो तो बहुत जोर जोश में मैं कुछ ज्यादा ही जोर से चिल्लाता हूँ गाइस। ओके अब से मैं नहीं चिल्लाऊंगा क्योंकि क्या बोले यार वो उस टाइम पे मेरे पास ज्यादा पावर आती थी ना तो मैं बहुत ही जोर जोर में आवाज करता था। ठीक है चुप हो जाओ बस चिल्लाते रहते थे कुछ आता वाता नहीं। मैं उठी पलटन मैं उठी पलटन। अरे वही तो अब तो बहुत हंसी आ रही है आपका पास देख के। अरे चुप हो जाओ अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। अरे हमारे पास अगर टाइम ट्रेवल का कुछ हथियार होता तो हम लोग कर देते। अरे मैं अभी अपने टाइम लाइन में गया था तो मुझे फ्रैंकी ने टाइम को स्टॉप करने की ट्रिक बताई थी लेकिन यार टाइम को फॉरवर्ड करने की ट्रिक मेरे पास है ही नहीं। अरे कोई बात नहीं मेरे पास ऑमरेटिक से ना कोई एलियन टाइम को फॉरवर्ड कर ही देगा जब आप व्हाइट पावर लैंटर्न में बने थे और उसके बाद मैं टाइम को रोक दूंगा और आप उससे पावर ले लेना और छुपके से निकल जाएंगे। सही कहा ना? हाँ यही बहुत बढ़िया है। अरे तो चलो टाइम को रोकते हैं मतलब फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है। अरे शिनचैन ये क्या कर रहा है? अरे मैं देख रहा हूँ इनमें से कौन सा एलियन टाइम को ट्रांसफर कर सकता है। अबे यार गाइस इसको खुद को नहीं पता कौन सा वाला एलियन यहाँ पे टाइम ट्रेवल कर सकता है कुछ भी बने जा रहा है। ओह माय गॉड मेरे को लगता है चुप ये वाला एलियन कुछ हेल्प कर सकता है। लेकिन कैसे यार? अरे ये बहुत तेज भागता है ना तो मैं बहुत तेज भागूंगा और फ्यूचर में चला जाऊंगा। सही कहा ना? अरे हाँ ये बहुत बढ़िया है सुपरमैन ने ऐसा किया था कुछ समय पहले। ओके शिनचैन क्या तू रेडी है? अरे उसके लिए शिनचैन को यहाँ पे गोल गोल भागना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं मैं भाग लूंगा लेट्स गो। भागो 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 शिनचैन गोल भागो बहुत तेजी से। ओह माय गॉड लेट्स गो भाग जाओ शिनचैन। ओ ये क्या कितनी तेज भाग रहा है गोल गोल कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे मेरे को तो यहाँ पे सर चकरा रहा है। काय शिनचैन कितनी तेज भाग रहा है मुझे बस यहाँ पे सर्कल दिखाई दे रहा है बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और इसे स्पीड कहते हैं। ओह माय गॉड और तेज और तेज और तेज और तेज शिनचैन। ओके और तेज तुम कर सकते हो और शिनचैन कर सकते हो। अरे हाँ मैं कर सकता हूँ लेट्स गो। अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप लग गई। ओह माय गॉड क्या मैंने कर दिया फ्रैंकल अंकल? मुझे नहीं पता। अरे वो देखो आपने कर लिया फ्रैंकल अंकल। अरे बाप रे वो क्या बन गया? लगता है उसकी पावर मैक्स हो गई। सही कहा वो अपग्रेड हो गया है और सेना को भी इसने हरा दिया। अरे वो हमारे सामने गिरा। ये तो मेरे सामने गिर गया है। मैं बन चुका हूँ अल्टीमेट पावर लैंटर। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे फ्रैंकल अंकल वो तो जा रहा है अब अपनी पावर यूज करके इसकी पावर ले लो। मैं आ रहा हूँ गॉड टाइटन हाईजैक ऑफ द अर्थ को तुम्हें रोकना पड़ेगा। अरे वो जा रहा है। ओह माय गॉड वो तो चला गया। अरे यार अब कैसे पावर लोगे फ्रैंकल अंकल? चिंता मत करना इसे कहते हैं थंडरबोल्ट टाइम। मैंने टाइम को रोक के पावर हासिल कर ली चलो निकलते। अरे बढ़िया शिनचैन आ जाओ। अरे ये क्या ये आ भी गया? अरे मैं तो बहुत तेज हूँ तो चलो टेलीपोर्ट होते हैं। भाई मेरी बात सुनो। क्या कहा? फ्रैंकी तू यहाँ पे कैसे? मैं क्या बोल रहा हूँ ज्यादा देर के लिए गॉड ऑफ ट्रिप्स को नहीं रोक पाऊंगा। आपको मैं अपनी बहुत सारी पावर्स दे रहा हूँ आप टाइम को स्किप कर सकती हो कैंग की तरह। क्या कहा? कैंग की तरह तुमने पावर्स को हासिल की? तुमने कितनी पावर को मैक्स कर लिया है? अरे वो छोड़ो मैं तुम्हें अपनी पावर दे रहा हूँ टाइम को स्किप करके आप निकल सकते हो किसी भी टाइम लाइन में जहाँ पे जा रहे बस सोचो आप पहुँच जाओगे सेकंड के अंदर मिली सेकंड के अंदर। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है गाइस फ्रैंकी इतनी सारी पावर्स को कैसे अचीव कर पा रहा है? इसके पीछे कोई राज तो नहीं है? अरे राज भी छोड़ो हमारे पास समय नहीं है। अरे है वही तो फ्रैंकी अंकल बहुत ताकतवर है चलो चलते यहाँ से। ये क्या था? मैंने अपनी पावर दी थी आपको। शुक्रिया। ओके अब मैं टाइम को स्किप करके सीधा निकलते हैं अननोन लैंटर्न की तरफ लेट्स गो। अरे ये क्या हम लोग यहाँ पे पहुँच गए? मुझे तो डर लग रहा है मेरे सामने हर बार इतनी खतरनाक कैसे आती है? ओ तेरी की चोप ये क्या बला है? अबे तुम लोग भूल गए इसने मेरे ऊपर इतना जोरदार हमला किया था जिसकी वजह से मैं अननोन लैंटर्न में अपग्रेड हो गया था। अरे बाप रे बाप मतलब अब तक आप अननोन लैंटर्न बन गए होंगे। अरे चलो इस बार तो एक लैंटर्न तो इजी बन गया। नहीं तुम लोगों को याद नहीं है इसने एक लैंटर्न को नहीं दो लैंटर्न को बनाया था। अननोन लैंटर्न के बाद इसने डार्क लैंटर्न को बनाया था याद आया? अरे हाँ वही काला जो कि आपको मार रहा था। और अब वो कुछ ही समय में मुझे मारने वाला है क्योंकि ये डार्क लैंटर्न को जैसे ही जन्म देगा वैसे मेरी अननोन लैंटर्न की पावर चली जाएगी। मतलब 15 मिनट के लिए अननोन लैंटर्न बने थे आप? हाँ सही कहा वो देख वो बन गया मैं। तुम्हें क्या लग रहा था तुमने मुझे मारा इसका मतलब मेरी पावर चली गई? तुमने मुझे और ओवर मैक्स कर दिया है। अरे ये कितना पावरफुल बन गया है। तुम्हें क्या लग रहा है तुमने मुझे हरा दिया? नहीं मैं यहाँ का राजा हूँ।
अरे जाओ फ्रैंकलिन अंकल, बनो अंडर लैंडर, बनो जल्दी उसकी पावर ले लो टाइम स्टॉप करके। ओ तेरी की जॉब, यहाँ पे तो देख। अरे ये क्या, कैसे हमारी ऑडियंस को भी नहीं दिखाई दिया। इसे कहते हैं भाई पावरफुल होना। आपको भी गाइस पता नहीं चला ना मैं कब यहाँ पे उसकी पावर लेके आया, इसलिए तो इसे टाइम स्टॉप कहते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। इसके ऊपर तो गाइस आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो, और आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और खासकर 1 मिलियन होने वाले तो जो नए लोग गाइस सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे खतरनाक सी नई सीरीज आने वाली है। और ये समय प्रमोशन का नहीं है, जल्दी चलो। तुम एक काम करो, यही पे रुको, तब तक मैं डार्क लैंटर्न की पावर लेके आता हूँ। अरे कैसे लेके आओगे वो तो बताओ। मुझे पता है कि डार्क लैंटर्न अब कहाँ पे होगा। लेट्स गो। ये तो भाग गया। और नीचे वाला अंडर लैंटर्न भी भाग गया, अब हम क्या करेंगे। पहले तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो ये अपने को पकड़ के खा लेगा, जल्दी जाओ। अरे भागो 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 भागो, कहीं तो जाके छुप जाते हैं, लेट्स गो। मुझे लगा ही था ये यही पे हो सकता है, ये दोनों के दोनों यही पे लड़ाई कर रहे हैं। मुझे बस टाइम स्टॉप करके पावर लेनी पड़ेगी। मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। कौन हो तुम, समझ में नहीं आ रहा। मैं वो डार्क लैंटर्न, मुझे तुम्हें मारने के लिए बनाया गया है, समझ में आ रहा है। तुम बहुत ताकतवर समझते हो अपने आप को। नहीं आ, 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 आ। मेरे पास यही समय है इसकी पावर लेने का। 3, 2, 1 ले ली इसकी पावर मैंने, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। ये ले ये ले ये ले। डार्क लैंटर्न, तुम्हारी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मुझसे डरो, मैं हूँ डार्क लैंटर्न। यार कब तक वेट करेंगे हम लोग, कितने लैंटर्स बचे हैं। और शिनचैन, अरे मेरे हिसाब से एक ही लैंटर्न बचा है। सही कहा, बस एक लैंटर्न, और उसके बाद दुनिया को बचाएंगे हम लोग शिनचैन। अरे आप आ गए, अपने डार्क लैंटर्न की पावर ले ली, लेकिन कैसे। ये बहुत बड़ी और लंबी कहानी है, क्या तुम अपने आखिरी लैंटर्न के एडवेंचर के ऊपर जाने के लिए रेडी हो शिनचैन। अरे हाँ, हमें शहर को भी बचाना है ना। अरे हाँ, तो चलो लेट्स गो। इट्स टाइम टू फाइनल अटैक, गॉड ऑफ ड्रीम्स तुम्हारा अंत करने हम आ रहे हैं, लेट्स गो। क्या हम लोग सही लोकेशन के ऊपर है शिनचैन। अरे पता नहीं, अरे हाँ, हमको पता ही नहीं हम लोग ये कहाँ पे। हम आज किसकी पावर लेने आए हैं। एक और एक आखिरी लैंटर्न जिसका नाम है सन लैंटर्न। सन की पावर से यहाँ पे क्रिएट किया गया था एक सीक्रेट लैंटर्न, जिसे बनाया गया था ग्रीन लैंटर्न ने। तुम्हें याद नहीं है, लेकिन ग्रीन लैंटर्न ने मुझे कहा था। अरे हाँ याद आ गया, ट्रांसफॉर्मर हमारे साथ थे ना तभी। अरे हाँ, ट्रांसफॉर्मर, उसके साथ बम्बलबी, और उसके साथ हमारे माइकल और ट्रेवर भी इस सीरीज में हमारे साथ थे। शायद आप लोगों ने वो सीरीज नहीं देखी तो जाओ, और आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और सब्सक्राइब जरूर करना, हम लोग 1 मिलियन के नियर है। अरे वो देखो वो कौन है, वही है आखिरी लैंटर्न। और आपकी आंखें इतनी चमक क्यों रही है फ्रैंकलिन अंकल। और ये तो रेनबो कलर की आंखें हैं। ये आंखें गॉड ऑफ ड्रीम्स का खात्मा करने के लिए बनाई गई है मैंने, तो तुम इसकी चिंता मत करो। वो रहा हमारा आखिरी लैंटर्न, जो कि है सन लैंटर्न। तुमने मेरे को बनाया, किसने बनाया मुझे। मैंने बनाया है, मैंने फ्रैंकलिन नामक डीएनए से तुम्हें बनाया है यहाँ पे। ओ तेरी की ऐसी बातें, आपके डीएनए से इसको बनाया गया था क्या। और हाँ वही तो, मुझे बनाने का मकसद क्या है। मेरा मकसद है तुम देश की सेवा करो, यही मेरा आदेश है। तुम मुझे आदेश देने वाले होते कौन हो। और ये क्या, ये इविल था क्या। अरे हाँ, ये तो इविल लग रहा है। मैं इस पूरे प्लेनेट को तबाह कर दूंगा, मैं आ रहा हूँ। अरे फिर से जा रहा है। अरे चिंता मत करना फ्रैंकलिन अंकल, अपने आप को बना लिया, सही कहा ना। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अर्थ को मैं तबाह कर दूंगा, मैं हूँ सन लैंटर्न। सही कहा, मैंने टाइम स्टॉप करके आखिरी लैंटर्न यानी सन लैंटर्न की पावर भी ले ली। ये सब कुछ हम कर पाए हैं फ्रैंकी की वजह से, उसकी टाइम स्किप की पावर की वजह से। अब क्या करें फ्रैंकलिन अंकल, अब हम क्या करेंगे। और क्या, चलो शहर में चलते हैं अपने वाले, और तबाह करेंगे गॉड ऑफ ड्रीम्स को। गॉड ऑफ ड्रीम, मैं सारे लैंटर्स की पावर्स को हकीकत में ला के तुम्हें खत्म करूंगा। और इसका मतलब क्या है फ्रैंकलिन अंकल।
तुम्हें इसके बारे में बाद में पता चलेगा। अभी के लिए हम लोगों को यहाँ से निकलना ही होगा। टेलीपोर्ट! और ये क्या हो रहा है? हम पीछे क्यों जा रहे हैं? अब तक हम लोग आगे जा रहे थे ना, तो हमें अपने टाइमलाइन में जाने के लिए फिर से पीछे जाना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, इसके बाद लाइक और सब्सक्राइब मार देना। और अगला एपिसोड गाइस मैं बहुत ही जल्दी से जल्दी आने की पूरी कोशिश करूंगा। आप बस सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे का नंबर मत भूलना, क्योंकि हम सबको मिलकर गॉड ऑफ ड्रीम्स को हराना है। और सबसे बड़ी बात, गॉड ऑफ ड्रीम्स अपनी नकली बॉडी में है, असली बॉडी हमें पता ही नहीं है कौन है उसके पीछे। और क्या कहा, ये कब हुआ? ये हुआ, तुम चिंता मत करना। और मुझे उल्टी हो रही है भाई, मेरे ऊपर मत कर देना चौप।